Hello students welcome to organic chemistry class students today we are going to discuss about catalytic hydrogenation reaction under this topic we will discuss introduction to catalytic hydrogenation selectivity and activity of catalytic hydrogenation reaction students first of all we should know what is hydrogenation reaction हाइड्रोज हाइड्रोजिनेशन मीन्स सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल कंपाउंड विथ हाइड्रोजन वेयर बाई द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एस टू दबस्ट्रेट मीन्स सिंपली हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू केमिकल कंपाउंड तो स्टूडेंट्स आलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम हाइड्रोजन को किसी केमिकल कंपाउंड पर एड करते हैं चाहे वो प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो जहाँ पे हम एडिशन ऑफ प्रोटॉन करते हैं सिंपली अगर देखा जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ या रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके एच नेगेटिव यानी हाइड्रेट ट्रांसफर करते हैं वो भी क्या है एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बेसिकली इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट मीन्स हाइड्रोजनेशन एक्चुअली इट इज़ रिडक्शन रिएक्शन ये क्या है हमारा एक रिडक्शन रिएक्शन है तो आज हम जो यहां पे पढ़ने जा रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पे हाइड्रोजनेशन तो करेंगे लेकिन हाइड्रोजनेशन में जो दूसरा आइटम होगा हमारे पास रिएक्टेंट होंगे आपके पास हाइड्रोजन का इन्वामेंट होगा और वो रिएक्शन होगा आपका किसी कैटलिस के प्रेजेंस में ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे कैटेलेटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहेंगे अब देखिए अगर हमें हाइड्रोजनेशन करना है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजनेशन कौन कौन से आपने किए होंगे आपने क्या होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा से एंजिल इसकी अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं हाइड्रोजनेशन के बाद ये कि, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं

सेचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा यानी कि डबल बॉन्ड खत्म होके अब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ होगा यानी इसका डबल बॉन्ड दो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है इसका पाई बॉन्ड ठीक है पाई बॉन्ड टूट गया तो अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को देखेंगे तो हमने दो चीज किया एक तो पाई बॉन्ड को हमने ब्रेक किया दूसरा यहाँ पे जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड था उसको भी हमने ब्रेक किया दैट मीन्स दिस रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ बाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ठीक है तो अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए अगर यहाँ पे हमें बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है दैट मीन्स वी आर वी आर सप्लाइंग एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड हम यहाँ पे एनर्जी यूज कर रहे हैं ताकि हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाए जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा फ्री होगा कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होगा अब यहाँ पे नए बॉन्ड यहाँ पे बन जाएंगे उस समय हमें रिलीज ऑफ एनर्जी होगा ठीक है लेकिन पहले तो हमें इस रिएक्शन को करने के लिए हमें फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे हमें इतना एनर्जी देना पड़ेगा जिसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू राइज द एनर्जी ऑफ द एनर्जी या अप टू थ्रेश होल्ड लेवल एक्टिवेशन एनर्जी तो हमें यहाँ पे पहले एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो ये चीज आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन होते हैं तो उसको हमें क्या देना पड़ता है पहले एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ता है फिर इसके बाद वो रिएक्शन वहाँ पे कैरी हो जाते है याद रखना चाहे स्पोन्टेनियस हो या नॉन स्पॉन्टेनियस हो हमें थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी को देना पड़ता है इसके बाद ओवरऑल जब हम रिएक्शन को देखते हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाते हैं अब यहाँ पे हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है है ना तो बहुत सारा एनर्जी लगेगा और उससे क्या हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा जब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा यील्ड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब हमें यील्ड को भी बढ़ाना है और रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज करना है तो इसके लिए हम एक और चीज यूज करते हैं जिसको हम क्या वसकर, हम बोलते हैं कैटलिस्ट तो ये कैटलिस्ट यहाँ पे इस रिएक्शन को क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करते हैं बिकॉज इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद द रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट के साथ क्या बनाते हैं आपके कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी जिसका एनर्जी क्या हो जाते है कम हो जाते हैं और और यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते यानी पहले यहाँ पे थ्राइशोड एनर्जी था अब इसका एनर्जी यहां तक पहुंच ऑफ दिस एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाया है कैटलिस और रिएक्टन का जब ये रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा जब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा तो आपको प्रोडक्ट यूल भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यही फंडा है फॉर यूज ऑफ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजेनेशन रिएक्शन जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं uh, आज और लास्ट में हम uh, यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे इसके मैकेनिज्म में तो आपको कैसे यहाँ पे पाई कम्प्लेक्स बनाते हैं किस तरह से वहां पे एब्जॉर्बन होते हैं वो सारी चीज वहां पे हम डिस्कस करेंगे तो सिंपली हमें हाइड्रोजेनेशन रिएक्शन कैरी करना है इन द एटमोसफियर ऑफ कैटलिस्ट ऑफ़ uh, द uh, uh, यहाँ पे एटमोसफियर ऑफ सॉरी एटमोसफियर ऑफ द हाइड्रोजन रिएक्टेंट और हमारे पास क्या होगा कैटेलिस होगा इन द एटमोसफियर ऑफ हाइड्रोजन बस यही हमारा रिएक्शन uh, का uh, जो है वो uh, पूरा सिस्टम होगा इस टाइप में हमारा रिएक्शन हो जाएगा ठीक है और अब कैटलिस्ट कहा किस टाइप के हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो यहां पे हम ज्यादातर जो कैटलिस्ट यूज करते हैं ट्रांजिशन मेटल के कैटलिस्ट यूज करते हैं जैसे कि आमतौर पर आपको बुक में देखा होगा पेलेटिनियम यूज करते हैं पेलेडियम यूज करते हैं निकल यूज करते हैं रोडियम यूज करते हैं ये सारी चीजें हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं ट्रांजिशन मेटल में वैकन डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि एड्जॉर्बशन को और जो कंप्लेक्स बना बनाता है हमारे के साथ उसके फॉर्मेशन में ये फैसिलिटेट करते हैं दैट इज़ वाई

जब वो एब्जॉर्ब जितना ज़्यादा होगा उतना वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इजीली करेगा और रेड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा ठीक है अब इन फाइनली पाउड पाउडर फॉर्म ऑफ कैटलिस को हमें एक सपोर्टिंग आ, सपोर्ट की जरूरत पड़ता है जो कि हम इन द फॉर्म ऑफ कार्बन या चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल आपका लिखा होगा या कैल्शियम कार्बोनेट है है नसीओ सी थ्री है या बेरियम सल्फेट वगैरह है इनको हम ऐसे सपोर्ट फॉर द दिस फाइनली पाउडर कैटलीस यूज कर सकते हैं ताकि इसकी रिएक्टिविटी और अच्छी हो जाए एक्टिविटी और अच्छे से बढ़ जाए ठीक है फॉर एग्जाम्पल ऐसा आपने देखा होगा देखिए आपके पास टू ब्यूटीन है इसका रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं और हाइड्रोजन का रिएक्शन यहाँ पे आ, हो रहा है इस टू ब्यूटीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और यहाँ पे जो कार्बन लिखा है ये इसके लिए इस सपोर्ट है और यहाँ पे आपको ये अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो इन शॉर्ट हम कोई अनसेचूरेटेड कंपाउंड जैसे नाइट्रो ग्रुप है इसको हम एनएच में कन्वर्ट कर सकते हैं आपका सी डबल बोन ओ है इसको हम सीओ सी ओ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सीओ एस टू सी एस टू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आपका ट्रिपल बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं आपका एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे बेंजीन को हमने साइक्लोहेक्ट में कन्वर्ट किया इस तरह से आप इसको कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हम कैटेलेटिक हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं आप कि ये जो मेथड है ये हम माइक्रो लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं मीन्स आपके लैब में यूज कर सकते हैं और इवन इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं ठीक है देखिए जब अगर हमारे पास आ, आ, सेचुरेटेड फैट होता है अनसेचुरेटेड फैट होता है, है ना सेचुरेटेड फैट uh, में कन्वर्ट अनसेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने के लिए हम कैटेलेटिक हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन का यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे हम यूज कर सकते हैं है ना कैटेलिस्ट ने मतलब एक किस्म का रिवोल्यूशन लाया है अब इस हाइड्रोजन को इस कैटेलेटिक हाइड्रोजन को अपने लेब के एक्टिविटी परपज के लिए भी यूज कर सकते हैं लेकिन देखिए वो डिपेंड करता है आपका आ, क्या पर्पज है आप किस चीज के लिए इसको यूज करना करना चाहते हैं माइक्रो लेवल पे भी यूज कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल स्केल पे भी इस कैटेलेटिक हाइड्रोजन के प्रोसेस को आप यूज कर सकते हैं ठीक है अब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हाइड्रोजन गैस हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केस हाइड्रोजन गैस इज यूज फॉर हाइड्रोजनेशन बट समाइम्स अदर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन ठीक है तो आपने यहाँ पहले वाले एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि हम हाइड्रोजनेशन तो कर रहे थे अब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन uh, में हम क्या कर रहे थे यूज वहाँ पे अब हाइड्रोजनेशन के समय डायरेक्टली एटमोसफियर ऑफ H2 टू गैस ले रहे थे और उस एटमोसफियर से से फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एथीन uh, का ब्यूटीन uh, का केस देखा इसमें हम H2 टू गैस डायरेक्टली ले रहे थे इस uh, इस इन्वायरमेंट में H2 टू गैस को ले रहे थे लेकिन कभी कभी हम एस टू गैस के बगैर भी कैटलेटिक uh, हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए और एक टर्म होता है ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अब ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई अल्किन है है ना ये कोई अल्किन है और आपके पास ये दूसरा कोई अल्किन है साइक्लो डाइहेक्जीन टाइप का हम ले लेते हैं ये ठीक है इसको अगर हम रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एस टू एस टू पिलेडियम कोमा पिलेडियम यानी हाइड्रोजन गैस से पिलेडियम एज ए कैटलिस्ट और कार्बन आपके हाँ पे से आ, यहाँ पे ऐसे सपोर्टिंग यहाँ पे एजेंट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है देख सकते हैं आप यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है दो डबल बॉन्ड है जब हम इस रिएक्शन को कैरी करते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं ठीक है और वो दो हाइड्रोजन जाके इस डबल बॉन्ड पे एड हो जाते हैं अब ये अनसेचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो गया सेचुरेटेड फॉर्म में और ये थोड़ा सा पार्शली क्या था फुली अन नहीं था अब यह कंप्लीटली सॉरी अनसेचुरेटेड हो गया यानी ये अब एक बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड बन गया जो कि एक मतलब एक सब ये बोलेंगे बोलेंगे कि जब ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हाईली क्या है फिजिबल रिएक्शन है ना ये मोर स्टेबल बन रहा है और इसीलिए हाइड्रोजन को इजीली यहां से निकल गया यहां से चला गया इस पे एड हो गया तो यहां पे क्या हुआ देखा जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ ना हमने कोई H2 गैस डायरेक्टली यूज नहीं किया था लेकिन इस H2 को इसने इस कंपाउंड से खींच के लिए आया है, है ना हाइड्रोजन गैस इज़ रिमूव फ्रॉम दिस कंपाउंड दिस इज नोन एज ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन तो अभी याद रखना है कई कि भाई हम सीधे सिर्फ हाइड्रोजन uh, का इन्वॉलमेंट एस टू गैस यूज करके कर सकते नहीं आप आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं कोई और कंपाउंड होगा वहां से भी आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक टर्म यहां पे यूज होता है हाइड्रोजिनोलिसिस। हाइड्रोजिनोलिसिस से आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा लिसिस मींस ब्रेक करना है ना और जब भी हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कार्बन कार्बन बॉन्ड को या कार्बन हिट्रो सिंगल बॉन्ड को हम तोड़ देते हैं ब्रेक कर देते हैं उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं हाइड्रोजिनोलिसिस फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला कंपाउंड है ये वाला ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड है यहाँ पे आपका सी एस टू है बेंजाइल टाइप का यहाँ पे ओ है और आर है ठीक है अब यहाँ पे आपने क्या किया फिर से ही लेंगे एस टू प्लेडियम विथ कार्बन सपोर्ट ठीक है जब इसके प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करते हैं तो क्या करते हैं हाइड्रोजन यहां जाते हैं ये जो हाइड्रोजन गैस है वो एस टू गैस इस ओ, ओ कार्बन ये कार्बन है ना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्लीस कर देते हैं एक एच इस कार्बन पे ऐड हो जाते हैं दूसरा एच इस ऑक्सीजन पे एड हो जाते हैं और जो अल्टीमेटली आपको जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एच टू यानी इसने क्या किया कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक किया ना किसने किया हाइड्रोजन ने किया इसलिए ये टर्म भी कभी कभी यूज होता है द यूज ऑफ हाइड्रोजन टू ब्रेक द कार्बन कार्बन और कार्बन हिड्रो बोन तो इस टाइप का टर्म आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कभी कभी पूछा जाता है कि हाइड्रोजिनोलिसिस क्या होता है ट्रांसफर हाइड्रोजेन हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनोलिसिस ये टर्म्स आप याद रखेंगे ठीक है अब देखिए कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेस हाइड्रोजिनेशन के लिए हम क्या क्या कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं इसका आइडिया तो मैंने पहले दे दिया यूजअली हमारा जो मैक्सिमम जो कैटलिस्ट uh, होता है वो क्या होता है ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं दो टाइप के कैटलिस यहाँ पे यूज होते हैं हिट्रोजीनियस एंड होमोजन हिट्रोमीन्स डिफरेंट आपको पता है अगर रिएक्टेंट का कंडीशन और आपका जो कैटलिस है वो पलेडियम लेंगे या प्लेटिनियम uh, लेंगे जो भी लेंगे आप अगर रिएक्टन और जो कैटलिस है वो किस में होगा डिफरेंट फेज में होगा इफ द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस आर इन डिफरेंट फेज देन द कैटलिस इज एज देन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज नोन एज हेट्रोजेनस कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन और उसको हम क्या कहेंगे हेट्रोजिनस केटलिस अगर आपका जो कैटलिस है और आपका रिएक्शन का मीडियम या आपका रिएक्टेंट इफ द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन सेम फेज दोनों का फेस क्या होगा सेम फेस होगा देन द रिएक्शन इज नोन एज होमोजीनियस uh, कैटलिस जैसे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे एस टू गेज में है प्लेटिनियम इन कार्बन सपोर्ट के साथ जो हमने देखा ये सारा एग्जाम्पल किसका हो गया हिट्रोजीनियस इसी तरह से होमोजीनियस uh, में विलकसन केटलिस्ट हमें पढ़ना है वो आप इसमें एज एग्जाम्पल ले सकते हैं ठीक है तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे तो होमोजेनिसमो हिट्रोजेनियस कैटलिस्ट आर मेनली फाइनली डिवाइडेड मेटल्स और दी आर ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स है ना यहाँ अपने ऑक्साइड के फॉर्म में भी हो सकते हैं सल्फाइड के फॉर्म में भी हो सकते हैं आप आ, जैसे प्लेटिनियम है प्लेडियम है रोडियम है रूथेनियम निकल ये सारा ऐसे कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं याद रखना एक चीज कि कैटलिस्ट जो होता है वो स्पेसिफिक टू एनी पार्टिकुलर रिएक्शन नहीं होते हैं है ना बहुत सारा रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है द मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन पे आप कैसे आप उस कैटलिस्ट uh, uh, को प्रिपेयर कर रहे हो उस पे इसकी सिलेक्टिविटी डिपेंड करते हैं आप ये नहीं कह सकते कि इसको सिर्फ पलेटेनियम जो है इस टाइप के रिएक्शन को करेंगे या प्लेटिनियम तो बिल्कुल वैरायटी ऑफ रिएक्शन को ये कैटलाइज करते हैं और हमें अपनी कंडीशन के हिसाब से और जिस तरह से वो कैटलिस्ट हाँ, uh, हमारा प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन ला रहे हैं जो ला रहे हैं उसी हिसाब से हमें कैटलिस्ट को चेंज करना पड़ता है ठीक है मोस्ट मोस्ट एक्सटेंसिवली जो हम यूज हैं वो प्लेडियम है या प्लेटिनियम है ये यूज हमने देखा है ज्यादातर बुक में जो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होता है मोर कॉमनली सपोर्टेड ऑन सूटेबल सपोर्ट एज एक्टिवेटेड कार्बन एल्यूमिनियम बेरियम सल्फेट जो मैं पहले कह रहा था है ना तो इन क्योंकि फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में है तो उसको किसी जगह पर हमें इसको सपोर्ट रखना पड़ता है इसीलिए ताकि इसकी एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए प्लेटिनियम अगर हम ऐसे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो यूजअली इसको हम प्लेटिनियम ऑक्साइड पी टू ओ टू की फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं जिसको हम एडम्स कैटलिस्ट कहते हैं क्योंकि जो प्लेटेनियम है वो uh, क्या होता है यूजली पायरोफोरिक होता है पायरोफोरिक मीन्स इट इजीली कैच फायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ वाई इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल एंड ऑप्टिमाइज द रिएक्शन कंडीशन हमें रिएक्शन कंडीशन को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है इसको हैंडल करने के लिए तो इसीलिए सबसे सेफ तरीका होता है कि हम इसको प्लेटिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में लें क्योंकि प्लेटिनियम खुद अगर हम डायरेक्टली एज ए मेटल लेंगे वो हाईली क्या होता है पायरोफोरिक इजिली कैच फायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इन सबसे बचने के लिए अच्छा तरीका क्या है पी टू ओ ट्यू के फॉर्म में लें जिसको हम नाम दूसरा क्या देते हैं एडम्स कैटलिस कहते हैं ठीक है तो क्योंकि जब इसका रिडक्शन हो रहा होता है तो ये हाइड्रोजन H2O टू ओ के साथ टू और ओ टू का रिएक्शन हो जाएगा प्लेटियम ऐसे मेटल वहाँ रिएक्शन कंडीशन में क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे इजीली रिएक्शन को क्या कर सकते हैं कैटलाइज कर सकते हैं ठीक है प्लेडियम जो होता है वो हम यूजुअली एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर लेते हैं या हाइड्रोक्साइड सपोर्टेड और एक्टिवेटेड कार्बन वगैरह जो होता है हम यूज कर सकते हैं ठीक है ये ियम और प्लेडियम का यूज कैसे कर सकते हैं ये हो गया निकल बेस कैटली जिसको आपने बहुत बार रिएक्शन में देखा होगा रेनी निकल है ना रेनी निकल के फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ए, स्लो इनफ दैट दे रिक्वायर कैन बी अल्टरनेटिव लेकिन बट दे आर स्लो इनफ एंड दे आर रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ठीक है जब भी हमें मतलब दूसरे कैटलिस्ट से काम नहीं बनता है तो उस समय थोड़ा सा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम रेनी निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं रेनी निकल आ, हम यूजुअली फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं जब फ्रेशली प्रपेयर करते हैं तो इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है कैसे प्रिपेयर रेनी निकल क्या होता है अगर पूछा जाए तो इट ए फाइन गलम एलोय विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कंटेंस 25 फाइव टू हंड्रेड एम एल एडजॉर्ब एड एच टू पर ग्राम ऑफ निकल ठीक है तो उस समय इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और देखा जाए तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्मोनियम का एलोय और सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह हम यहाँ पे ला रहे हैं ले रहे हैं तो जिसकी वजह से जो ये रेनी निकल होता है वो थोड़ा सा अल्कलाइन इन नेचर होता है अल्कलाइन की वजह से अगर हमारे पास कुछ ऐसा रिएक्शन हो जो पीएच डिपेंडेंट हो पीएच पे डिपेंड करता हो तो उस रिएक्शन में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते या जहाँ पर हम एसिड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम रेनी निकल को यूज़ नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आपका जो हाइड्रोक्साइड पर है बिकॉज ऑफ इट इज़ अल्कलाइन नेचर इट विल न्यूट्रलाइज दैट एसिड और रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकते हैं या आप प्रोडक्ट आपका चेंज हो सकते हैं ठीक है अब हमारे पास एक क्वेश्चन राइज हो जाते हैं व्हाट टाइप ऑफ कैटलिस्ट मस्ट बी यूज फॉर ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो डेफिनेटली इसका आंसर जो देना है बहुत ही सिंपल नहीं है क्योंकि uh, जो भी आप कैटलिस्ट लोगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन दिखा सकते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में आपने कैसे उस कैटलिस्ट को प्रिपेयर किया आपके पास कौन सा रिएक्टन है तो आप एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट को यूज आप प्लेटिनम को यूज़ करोगे और आप बोलोगे ये डबल बॉन्ड को सी डबल बॉन्ड सी को हाइड्रोजनेट uh, नहीं करेगा ऐसा नहीं है ये मतलब आपको थोड़ा सा रिएक्शन कंडीशन को कंट्रोल थोड़ा सा करके आप इसकी सिलेक्टिविटी कर सकते हैं बाकी किसी और मेथड ये प्लेटिनम यही रिएक्शन करेगा ऐसा इसमें नहीं है इसको इसकी सिलेक्टिविटी हम किसी पर्टिकुलर टाइप के कैटलिस्ट को लेकर नहीं बोल सकते हैं सिर्फ हम क्या कर सकते हैं मोडिफिकेशन कर सकते हैं रिएक्शन के कंडीशन में और उस उसकेटेलिज की एक्टिव सिलेक्टिविटी को हम चेंज कर सकते हैं जो कि हम कुछ एग्जांपल में समझने की कोशिश करेंगे ठीक है याद रखना याद रखना क्या है आपको कि एक पर्टिकुलर सिलेक्टिव कैटेज यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते हैं तो इन जनरल प्रिंसिपल वन मस्ट रिमेम्बर द गवर्निंग प्रिंसिपल दैट मोर एक्टिव कैटलिज द लेस डिस्क्रिमिनेटिंग इट इज इन इज एक्शन तो ये चीज़ भी याद रखेंगे जितना आप किसी कैटलिस्ट को मोर एक्टिव बनाओगे मोर एक्टिव मीन्स इसकी एफिशिएंसी को आप बढ़ाओगे और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करोगे उसमें कंडीशन को इंक्रीज़ करोगे यानी कंडीशन मीन्स प्रेशर को इंक्रीज करोगे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपकी कैटलिस्ट क्या, का जो एक्टिविटी है वो तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन इसकी जो सिलेक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है डिक्रीज हो चुका सिंपली जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए, एक एग्जाम्पल कॉमन लाइफ से अगर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्मल हो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे हो तो आप कोई चीज आपको अगर चूज करना है तो आप इजीली उस आ, अच्छे चीज़ और जो अच्छा नहीं है उस चीज़ में आप डिस्क्रिमिनेट करके जो आपके लिए फ़ायदेमंद है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन आप बिल्कुल हाईली मतलब आप गुस्से में हो आप बिल्कुल परेशान हो आपका एनर्जी बहुत हाई हुआ हो है ना तो उस समय आपको जो भी हाथ में आएगा वो लेगा आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा मेरे लिए कौन अच्छा होगा कौन खराब होगा ठीक है इसी तरह से ये कैटलिस्ट भी अगर इसमें रिएक्शन को इतना हम हाई एक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे उसको इतना एनर्जी देंगे तो उसकी सेलेक्टिविटी क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं ठीक है इसमें हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आपको एक जब एग्जाम्पल यहाँ पे एक, एक कैटलिस है उसका एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा से फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है है ना ये बेंजाइल है ठीक है और यहाँ पे सी एच टू ओ एच है ये हमारा प्रोडक्ट है ठीक है ये प्रोडक्ट कहाँ से बना इस एस्टर से बना ये बेंजीन रिंग है और C डबल बॉन्ड O H ठीक है ये एस्टर इसकी अगर हम रिडक्शन करते हैं कॉपर क्रोमेट के प्रेजेंट में 160 डिग्री 250 एटमॉस्फेयर में तो आपको क्या बनेगा बेंजाइल अल्कोहल बनेगा यानी इसने एरोमेटिक रिंग को कुछ नहीं किया एरोमेटिक रिंग को कुछ नहीं किया सेलेक्टिवली सिर्फ एस्टर ग्रुप को इसने क्या किया रिड्यूस किया इनटू अल्कोहल में ठीक है दैट इज सिलेक्टिविटी आपने क्यों टेम्परेचर को आपने मेंटेन रखा नॉर्मल टेम्परेचर रखा नॉर्मल प्रेशर रखा जो आपको एक उस टेम्परेचर इन्वायमेंट में जरूरत था यहाँ पे आपने रेनी निकल दिया 50 डिग्री सेल्सियस पे और 100 एटमॉस्फेयर पे तो सिर्फ बेंजीन रिंग का रिडक्शन हुआ सी डबल बॉन्ड ओटी का रिडक्शन नहीं हुआ दैट इज द सेलेक्टिविटी ऑफ यूर कैटलिस। वो आप कंडीशन को देख के आप चेंज करके पता कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन पे मुझे ये वाला एक सिलेक्टिव रिएक्शन दिखा रहा है समझ जा रहा है आप लोग कि सेलेक्टिविटी को किसी यानी किसी पार्टिकुलर कैटलिस को सेलेक्टिव बनाने के लिए हमें रिएक्शन कंडीशन को चेंज करना पड़ता है जैसे आपने यहाँ पे टेम्परेचर वन सिक्सटी रखा टू फिफ्टी रखा कॉपर क्रोमेट के फॉर्म में लिया तो आपको सिर्फ रिडक्शन किसका हुआ एस्टर का हुआ पेंजीन रिंग का नहीं हुआ लेकिन आपको मुझे नहीं करना है भाई मुझे बेनजिन रिंग को रिड्यूस करना है एस्टर को नहीं करना है तो आप क्या लोगे रेनी निकल लोगे और टेम्परेचर को सेट करोगे और प्रेचर को यहाँ पे सेट करोगे तो आपको रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग का होगा एस्टर का नहीं होगा ठीक है द रिएक्शन कंडीशन मॉडिफिकेशन ऑफ रिएक्शन अब मैं क्या करता हूं यही यही मैं कैटलिस्ट लेता हूँ यही मैं कैटलिस्ट ये कैटलिस्ट ले रहा हूँ दोनों में सेम कैटलिस्ट लेकिन मैं रिएक्शन कंडीशन को चेंज करता हूँ टेम्परेचर और प्रेशर को मैं क्या करता हूँ इंक्रीज करता हूं इसमें भी इंक्रीज करता हूं इसमें भी इंक्रीज करता हूं तो जब ऐसा करते हैं तो दोनों केस में चाहे आपने ये कैटलिस्ट लिया चाहे आपने ये कैटेलिस्ट लिया दोनों में आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है दोनों में प्रोडक्ट मिक्स मिलता है आ, ये भी मिलता है प्लस ये वाला भी प्रोडक्ट मिलता है इस वाली कंडीशन में अपना ये भी प्रोडक्ट मिलता है और पी एस टू वे भी मिलता है यानी आपको मिक्सचर और प्रोडक्ट यानी इसकी डिस्क्रिमिनेशन आ, टोटली खत्म गई कभी इसने सीओ टू टी को रिड्यूस किया किसमें अल्कोहल में कभी इसने एरोमेटिक रिंग को तो मिक्सचर और प्रोडक्ट मिलते हैं उसके साथ ये भी देखा गया है दोनों में जो प्रोडक्ट मिला वो मिक्सचर और प्रोडक्ट प्लस सी एच थ्री यानी ये टोटली यहाँ से टूट जाता है लिसिस हो जाता है ओ टी यहाँ से ओ टू टी निकल जाते हैं सी एच थ्री में टोलवीन यहाँ निकल तो इसकी क्या हुआ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर सेलेक्टिविटी क्या हो गया डिक्रीज सेलेक्टिव यानी मैं मुझे ये पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बनाना है जिस्टर्स को और जो है वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाता है ठीक है तो अगर आप टेम्परेचर को नॉर्मल रखोगी तो एक ही प्रोडक्ट ये ये बनाएगा लेकिन जो ही प्रेशर ये मैं प्रोडक्ट ए बोलता हूँ ये प्रोडक्ट बी बोलता हूं लेकिन जो ही दोनों कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो यहाँ ए भी बनता है बी भी बनता है यहाँ पर बी भी बनता है ए भी प्लस टोलवीन बनता है टोलवीन बेंजीन पे आ, आपका फिर से सी थ्री तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सी सिलेक्टिविटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज हो जाते हैं ठीक है

आम तौर पर देखा गया है बंजल अमाइन और ईथर में हम प्लेटिनियम जो है वो सिलेक्टिव होता है अल्किन में ज़्यादातर प्लेडियम प्लेटिनियम निकल यूज़ कर सकते हैं एरोमेटिक में प्लेटिनियम रोडियम निकल आ, लेकिन अंडर हाई प्रेशर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द दबेस्टेट और चीज़ याद रखना भाई हमने अभी कहा कि ए, जो आपको कैटलीज यूज करेंगे वो सारे जो फंक्शनल ग्रुप को वो एक ही तरीके से रिड्यूस नहीं करते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो फंक्शनल ग्रुप पे भी डिपेंड करते हैं क्योंकि हर कोई फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं होता है हाँ कोई जो इनमें बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है किसी में बॉन्ड जो होता है वीक हो सकता है है ना तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा हाइड्रोजन को वहां पे उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और जो वीक हो इजीली हो जाएगा जो वीक होगा वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा तो वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं उसके लिए यहाँ पे एक आ, एक आ, यहाँ पे एक सीरीज बनाया है इसको आप देख सकते हैं जितना हम यहां से नीचे जाते हैं तो आ, र, रिडक्शन कैटेटिक जो रिडक्शन है हाइड्रोजनेशन है, है वो रेट क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं अगर हम एसाइल क्लोराइड की बात करते हैं तो सबसे रिएक्टिव यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है जो इजीली रिड्यूस हो सकते हैं किसमें अल्कोहल और Uh, किस में सॉरी uh, uh, लिहाइड और अल्कोहल में रिड्यूस होते हैं नाइट्रो इसके बाद इस देखा गया है ये इजीली आमाइन में हो जाते हैं बाकी ये सारा आप देख सकते हैं और यहाँ आप एरोमेटिक और जो uh, कार्बोक्सिलेट जो सॉल्ट सौ, है वो बहुत मुश्किल से एरोमेटिक uh, कंपाउंड yeah, मुश्किल से हाई ड्रास्टिक कंडीशन में होता है ये कार्बोक्सिलेट uh, जो सॉल्ट है वो इनर्ट होता है वो वहां पे हाइड्रोजनेट नहीं हो पाता है। तो इन शॉर्ट इस सीरीज को देख के आप uh, दे, देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप इस सी का समथिंग समथिंग यहाँ पे आपका एनोटू होगा और इसके बाद आप इसको हाइड्रोजिन हाँगे, कैटेलेटिक करना चाहता है तो सेलेक्टिवली सबसे पहले ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा इजीली क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप वहां पे रिड्यूस नहीं होगा तो अगर दो फंक्शनल ग्रुप होंगे भी और अगर टेम्परेचर प्रेशर को हम नॉर्मल रखेंगे तो जो मोर एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होगा वो पहले क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर फंक्शनल ग्रुप तो इस तरह से भी आप सिलेक्टिविटी को देख सकते हैं अगर आपके पास अल्काइन होगा और एल्डिहाइड होगा दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में होगा तो आप नॉर्मल कंडीशन रख के अल्काइन को किस में या अल्किन में या अल्किन में कन्वर्ट कर सकते हैं वहां पे आपका एल्डिहाइड बचा रहेगा अगर आपने रिएक्शन कंडीशन को कंट्रोल में रखा अगर उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे तो वो तो सारा के सारा एल्डिहाइड भी रिड्यूस होगा ये भी रिड्यूस होगा ठीक है तो इस तरह से आपको खुद कंडीशन का ख्याल रखना है अब कुछ कैटलिस्ट का आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे लिनलर्स कैटलिस्ट बहुत आपने सुना होगा लिनलर्स कैटलिस्ट क्या होता है एक्चुअली uh, हम ये लेन कैटलिस्ट पढ़ रहा हैं पढ़ रहे हैं को थोड़ा सा समझने के लिए कभी कभी कैटलिस्ट क्या करते हैं देखिए कैटलिस्ट का काम क्या है कैटलिस्ट आपके पास होगा मैंने अभी कहा था आपको कैटलिस्ट अपने सरफेस पे यहाँ पे हाइड्रोजन है और आपका रिएक्टेंट है दोनों रिएक्शन कंडीशन में उधर उधर भाग रहे थे कोई पास में नहीं आ रहे थे ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे आपने वो बुल फाइट देखा होगा ठीक है वो डिफरेंट डिफरेंट घास चरा वहाँ पे घास खा रहे होंगे है ना ग्रासलैंड में लेकिन जब उसको किसी जगह दोनों को एक ही इसमें रिंग में लाते हैं पास लाते हैं दोनों लड़ना शुरू नहीं करते हैं सेम इसी टाइप का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रिएक्शन मीडियम पहले हाइड्रोजन और इधर उधर घूम रहे थे आपने क्या लिया कैटेलिस लिया कैटेलिस के सरफेस पे हाइड्रोजन भी एब्जॉर्ब हुआ और रिएक्टन भी एब्जॉर्ब हुआ अब दोनों पास आ गए अब इनमें क्या हो जाएगा रिएक्शन इजीली हो जाएगा ठीक है हम ऐसे भी सोच सकते हैं मीन्स कैटलिस्ट के सरफेस पे कुछ एक्टिव साइट होते हैं उस एक्टिव साइट पे आपका रिएक्टेंट और हाइड्रोजन क्या हो जाता है एडजॉर्ब हो जाते हैं और एडजॉर्ब होने के बाद वो दोनों पास में आते हैं इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं ओल्ड बॉन्ड न्यू बॉन्ड बन जाते हैं और रिएक्शन होना शुरू होता है अगर हम अगर हम ऐसा करते हैं कभी कभी कि इसकी एक्टिव साइट को हम क्या करते हैं ब्लॉकिंग क्या करते हैं इसकी कुछ एक्टिव साइड को क्या करते हैं ब्लॉक करते हैं मीन्स अब कम आ, कम आपका रिएक्टन कम हाइड्रोजन इसके साइड पे एडजॉर्ब होगा तो रेड ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी है ना दिस ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइड्स ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज पॉइजनिंग क्या बोलते हैं इसको हम पॉइजनिंग करना यानी इसकी एक्टिव साइड्स को कम करना ठीक है अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कैटलिस्ट बहुत एक्टिव था वो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा था आपका अल्केन है अल्काइन है या अल्किन है दोनों को रिड्यूस कर रहा था क्योंकि वो बहुत पावरफुल था बहुत एक्टिव कैटलिस्ट था ठीक है हमने टेम्परेचर को बढ़ाया प्रेशर दोनों को इस फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे एक कंपाउंड है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एक डबल बॉन्ड है ठीक है जब मैंने एक एक्टिव कैटलिस्ट के साथ आ, जैसे कि आपका प्लेडियम ऑनबेरियम सल्फेट लिया या कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें भी लिया तो ये इस चीज को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं क्या करते हैं इसको इसको अल्केन में और यहाँ पे आपको एक सेचुरेटेड अल्केन बन जाता है ये भी रिड्यूस हो गया ये भी रिड्यूस हो गया यानी ये हाईली एक्टिव है एंड देयर इज नो सिलेक्टिविटी फॉर ट्रिपल डबल बॉन बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए ना इसकी सिलेक्टिविटी है ना ट्रिपल बॉन्ड की अब मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्टिव बनाना चाहता हूं कि ये पार्टिकुलर बॉन्ड को ही जो मोर ए, मोर रिएक्टिव बॉन्ड है जो आपने सीरीज में देखा था अल्कैन ऊपर था ना अल्किन से मैं इसको ही पहले क्या करना चाहता हूं मैं पहले ही इसको क्या करना रिड्यूस करना चाहता हूं मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूं तो इसके लिए आपको कैटलिस्ट में थोड़ा सा क्या करना पड़ता है मॉडिफिकेशन करना पड़ता है और एक टाइप का कैटलिस्ट आप यहां पे यूज कर सकते हैं जिसको हम लिनलर्स कैटलिस्ट लिनलर्स कैटलिस्ट क्या होता है अगर पूछा जाए तो लिनलर्स कैटलिस्ट होता है प्लेडियम का कैटलिस्ट जो कि कैल्शियम कार्बोनेट पे ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है इसका सपोर्टिंग एजेंट है ठीक है पेलेडियम को कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर सपोर्ट किया हुआ हुआ था क्या होता है और अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट कैटलिस्ट को लेंगे तो ये अल्किन को भी नहीं छोड़ेगा अल्काइन को भी नहीं छोड़ेगा दोनों को क्या करते हैं दोनों को अल्किन में कन्वर्ट करते हैं लेकिन जब मैं इस पेलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट के इस कैटलिस्ट को अगर मैं यूज करता हूं थोड़ा सा इसमें क्विनोलिन यह लेड स्टेट लेड स्टेट सॉरी ओएसी होल टू ऐसे ठीक है लेड स्टेट ओएसी होल टू ऐसे ये ये लेड स्टेट और क्विनोलिन क्या करता है जो प्लेडियम का एक्टिव साइट्स होता है इसके ऊपर जहां पे आपके रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब होना आता है उन साइट्स को क्या करते हैं ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से आपका जो कैटलिस्ट होता है अब वो लेस एक्टिव हो जाता है और ऊपर हमने पढ़ के आया है जितना आपका कैटलिस्ट लेस एक्टिव होगा मोर सिलेक्टिव होगा वो मोर सिलेक्टिव हो जाता है अब इसकी एक्टिविटी कम हो गई अब इसकी एक्टिविटी कम गई तो इसकी सिलेक्टिविटी इंक्रीज हो जाते हैं अब इसकी सिलेक्टिविटी जब कम इंक्रीज हो जाते हैं ये क्या करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब ये सिर्फ रिडक्शन करते हैं अल्केन टू अल्कीन और फर्दर अल्कीन की रिडक्शन पॉसिबल नहीं होते ठीक है तो फर्दर रिएक्शन यहाँ पे नहीं होते एक मिनट यहां पे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देख के समझा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ, आर है ये आ, ट्रिपल लेते हैं यहाँ आर लेते हैं। ठीक है ये सीधा है आर है आर है ठीक है अगर मैं प्लेडियम कैल्शियम कार्बोनेट के सरफेस लेता हूं सीधे तो मुझे सीधे आर सी एच टू सी एच टू आर बनेगा कोई ए, सिलेक्टिविटी नहीं लेकिन जो ही मैं यहाँ पे प्लेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या लेता हूं लेड स्टेट लेता हूं या क्विनोलिन लेता हूं तो अब ये इसको रिड्यूस करते हैं अप टू अल्किन तो थोड़ा सा हमने कैटलिस uh, को मॉडिफाई किया और किसने क्या लिनलर ने किया तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है लिनलर्स कैटलिस्ट और ये जो क्विनलिन है लेट एस्टेड है पॉइजनिंग का काम करते हैं इस प्लेडियम की एक्टिविटी को कम करते हैं और मोर सिलेक्टिव बनते हैं और फर्दर अल्किन में को अल्क में कन्वर्ट होने से uh, क्या करते हैं आ, उसको इनहिबिट करता है और और जाने लेकिन आपको क्लियरली मॉनिटर आप उसको दिन भर रखेंगे हाइड्रोजन सप्लाई भी फुल देंगे तो उस समय तो फिर से आपकी ये सिलेक्टिविटी भी काम नहीं आएगा तो आपको केयरफुली मॉनिटर करना है आप आ, बेरियम सल्फेट की जगह सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट की जगह बेरियम सल्फेट को भी एज ए सपोर्टिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं विथ क्विनोलिन भी यूज़ करते हैं सेम रिजल्ट मिलेगा लेकिन इसको हम रोजन मंडस कैटलिस्ट करते हैं रोजनमैन जो अब हमारा नेक्स्ट ही हो गए तो रोजनमैन कैटलिस्ट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस अल्काइन टू एल्किन लेवल ठीक है अब है जैसे एल्डिहाइड एसएल एसिड क्लोराइड है आपके पास यानी आपके पास दो बॉन्ड है फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ठीक है तो आपको दिमाग में ये होगा कि इस टाइप के बॉन्ड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है इस कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड तो सी डबल बॉन्ड जो है वो पहले रिड्यूस हो जाएगा ठीक है तो वहां पे आ, आ, क्या हो जाएगा आपको सिलेक्टिविटी आप थोड़ा सा कीमो सिलेक्टिविटी यानी पार्टिकुलर बॉन्ड को ये, इसने सेलेक्ट किया आप थोड़ा सा यहाँ पे सोच सकते हैं ठीक है यानी कैटेटिक हाइड्रोजन इज ऑफन चूजन एज मेथड फॉर रिडक्शन बिकॉज ऑफ इट इज केलेक्टिविटी फॉर कार्बन डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड एन इंपॉर्टेंट हाइड्रोजनेशन इन्वॉल्विंग ए कार्बोनिल कंपाउंड इज नॉट एक्चुअली रिडक्शन ऑफ द सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड देखा जाए तो ये एडिशन यहां पर रिएक्शन रिडक्शन नहीं होता है यहां पर हाइड्रोजिनोलिस हो जाते हैं कार्बन और हिट्रो बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है तो इस तरह से यूज करें लेकिन इसको अब मोर सिलेक्टिव बना सकते हैं जैसे कि C -C है। C -C किसी, किस में है आपका आ, एसाइल क्लोराइड में फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला कंपाउंड है एक कंपाउंड ले लेते हैं यहां पे। इससे और क्लियर हो जाएगा सी थोड़ा सा इसको और कंप्लेक्स बना के ले लेते हैं चलो ठीक है अब देखिए इसको मैं प्लेडियम इन बेरियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट लेता तो मैं क्या बोलते हैं इसको लिनलर्स कैटलिस्ट ठीक है अब यहां बेरियम सल्फेट लिया तो अब ये रोजनमन रिएक्शन इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं रोजनमन इस कैटलिस्ट को हम रोजनमन कैटलिस्ट कहेंगे क्विनोलिन ऐसे पॉइजन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जब यहाँ पे प्लेडियम बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन हम लेते हैं तो ये लिसिस करते हैं इस बॉन्ड को क्या करते हैं ब्रेक करते हैं सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एल को कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को क्या करते हैं हाइड्रोजिनोलिस इन प्रेजेंस ऑफ सॉरी हाइड्रोजन देना तो बोल के हाइड्रोजन के प्रेजेंस में सी सी ब्रेक हो जाते हैं और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा भाई यहाँ पे आपको सी डबल बॉन्ड ब्रेक होके एच आएगा और यहां से एच जो है वो निकल जाएगा ठीक है तो हमने क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया ना हाइड्रोजिनेशन किया विद द विदोवल ऑफ क्लोरीन और क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ एच सी एल निकल गया तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ दैट इज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन और एक खास ध्यान देने की है सी डबल बॉन्ड ओ भी है ये रिड्यूस नहीं हुआ और यहाँ देखिए ऐसे कैसा सी, सी डबल आप यहां पे देखिए रिंग में जो डबल बॉन्ड वो भी रिड्यूस नहीं हुआ नॉट रिड्यूस इट ठीक है तो इसने सिलेक्टिवली कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को क्या किया रिड्यूस किया लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ा आपको एडिशन करना पड़ा हाइड्रोजन प्लेडियम बेरियम सल्फेट के साथ क्विनोलिन इस मॉडिफिकेशन में आपको एक रिएक्शन किया जिसमें ये सिर्फ एसाइल बॉन्ड को ही रिड्यूस किया ना कि दूसरे बॉन्ड को ना सी डबल बॉन्ड ओ के ओ को किया ना सी डबल बॉन्ड सी को किया इस तरह सा इस सॉरी इस तरह से रिएक्शन कंडीशन को मॉडिफाई करके आप किसी भी कैटलिस्ट को मॉडिफाई कर आ, आ, सिलेक्टिव बना सकते हैं जैसे कि एसाइल क्लोराइड से लिहाइड में कन्वर्ट करना बाई यूजिंग बेरियम सल्फेर इन क्विनोलिन दिस इज नोन एज रोजनमंड रिएक्शन इसलिए इस रिएक्शन का एक नाम भी पड़ा है रोजनमंड िन एक तो यहाँ पॉइजनिंग का भी काम करते हैं दूसरा एस सी एल यहाँ इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है ना तो HCL को भी ये क्या करते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं जितना न्यूट्रलाइज होगा और रिएक्शन इस साइड साइड में में क्या हो जाएगा जाएगा प्रोडक्ट शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है तो दोनों चीजें इसमें दोनों फायदा है इसमें किसका क्विनोलिन का और एक कैटलिस्ट जो मैंने थोड़ा सा पहले बताया था कि एडम्स कैटलिस्ट प्लेटिनियम ऑक्साइड को हम क्या कह सकते हैं आ, क्या कहते हैं एडम्स uh, कैटेलिस्ट भी कहते हैं जो ज्यादातर हम यूज फॉर अल्किन के हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं बहुत सारे आपको रिएक्शन आगे मिलेगा फॉर एग्जांपल आपके पास ये साइक्लोहेक् लेते हैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है है ना इसको अगर हम एस टू प्लेटिनियम और यहाँ पे कार्बन लें ठीक है तो ये क्या हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड में और यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन का दिस इज सॉरी प्लेटिनियम ऑक्साइड लेना पड़ेगा क्योंकि एडम्स कैटलिस्ट हुआ ना तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड भी हम इसको यूज कर सकते हैं तो सिंपली प्लेटिनियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं सिंपली इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं एडम्स कैटलिस्ट यानी द रिएक्शन विच इज इन विच द हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम ऑक्साइड इज नोन एज एज कैटिकटिक हाइड्रोजनेशन बाई एडम्स कैटेस ठीक है तो यहाँ पे ज्यादातर आपने देखा होगा सिस बनता है तो थोड़ा सा ट्रांस भी बनते वो कब बनते हैं जब हम मैकेनिज्म में जाएंगे वहां पे हम देखेंगे ठीक है अब नेक्स्ट पे जाते हैं बहुत सारा हाँ, हाँ एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आ, आपका जो सॉल्वेंट है वो भी आ, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट हम हाँ, यूजुअली इथेनॉल एस्टिक एसिड वगैरह एज ए सॉल्वेंट यूज लेते हैं यूज कर सकते हैं लेकिन कभी कभी सॉल्वेंट को जब चेंज करते हैं तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट भी थोड़ा सा सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट भी थोड़ा सा चेंज होता है एक एग्जांपल को समझने के लिए हमने यहां पे लिया है जैसे आपके पास बीटा नाइट्रो स्टाइरिन बीटा नाइट्रो ये आपका न, का हो गया इस टाइप का न, रिंग पे, ये डबल बॉन्ड होगा तो स्टाइरिन बोलता है ना अल्फा बीटा पे इसका नाइट्रो है यहाँ पे ठीक है बीटा नाइट्रो नाइट्रोस्टाइरिन को हम अगर कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन इसकी करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट हम लेंगे एस टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड है ना बीटा नाइट्रोस इन एस्टिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का मिक्सचर एस सी ओ एच और एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम मिक्सचर लेते हैं तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट और रेपिड हो जाती है यानी आपकी कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो जो होते हैं वो हाई होते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई देखिए किस में टू फिनाइल यानी ये एरोमेटिक रिंग को तो कुछ नहीं करते हैं टू फिनाइल इथाइल अमाइन ये यहाँ पे ये कन्वर्ट इथाइल अमाइन एन एस टू और डबल बोन एन ओ टू और डबल बोन यहाँ पे खत्म हो टू तो यहाँ पे टू फिनाइल टू फिनाइल यहाँ पे टू पे फिनाइल हो गया इथाइल अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है नाइनटी परसेंट इसमें ईल आते लेकिन जो ही हम सल्फ्यूरिक एसिड है ना को यूज करना बंद कर देते हैं यूज हम नहीं करेंगे सिर्फ हम एसिटिक एसिड ही लेंगे तो इसकी यील्ड एकदम से बहुत ही पोअर हो जाता है टेन परसेंट पाँच परसेंट ही बनते हैं ठीक है तो कभी कभी हम ये बोल सकते हैं सॉल्वेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी रिएक्शन को किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या सिलेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ठीक है तो जब भी आप इस टाइप के रिएक्शन करेंगे तो आपको हीट एंड ट्रायल टाइप का मेथड यूज करना पड़ेगा कभी एसिड को इंक्रीज करना पड़ेगा कभी डिक्रीज करना पड़ेगा है ना रिए टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा तो किस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे किस ऑप्टिमम कंडीशन पे आपका रिएक्शन जो अच्छा यूज लेते हैं उसको आप सेट कर सकते हैं ठीक है अब है हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इजीली एंड इन मोस्ट केस कैन बी एफेक्टेड बाय अंडर माइल्ड तो तो कुछ एग्जांपल ये हमने रखा है क्योंकि हमने जब एक्टिविटी सीरीज ऊपर मैंने वो सीरीज दिखाया था तो आपको डबल बॉन्ड एस कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड क्या था बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव था बहुत ही ज़्यादा इजीली इसकी हाइड्रोजनेशन हो जाते हैं देखिए यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है यहाँ भी सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो अगर आप वन एटमॉस्फेयर और हाइड्रोजन प्लेटिनम यानी एडम्स कैटेलिस का यूज हुआ ना इन प्रेजेंट मैथनोल यहाँ पर आप इस रिएक्शन को करें करते हैं तो सेलेक्टिवली सिर्फ आ, जो डबल बॉन्ड होता है उसकी कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन होता है हमेशा याद रखना यहाँ पे सिस फॉर्म में एड हो जाएगा ठीक है यानी आपके पास सी डबल बॉन्ड सी होगा और इस पर हाइड्रोजन एड होना होगा तो एक ही डायरेक्शन से एक ही साइड से मैक्सिमम मैक्सिमम केस में एक ही साइड से मेजर जो प्रोडक्ट होता है वो सिस एडिशन होता है तो इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं सिस एडिशन यहाँ पे हो जाता है इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है ट्रांस एडिशन भी होते हैं कि इसका मैकेनिज्म में हम समझने की कोशिश करते हैं ठीक है तो जब भी इस टाइप का रिएक्शन होगा तो आप किस रिड्यूस करेंगे डबल बॉन्ड को बिकॉज डबल बॉन्ड इज मोर एक्टिव देखो डबल बॉन्ड अब किस में कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में ठीक है अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं देखिए ये वाला कंपाउंड इसमें ये सी डबल बॉन्ड ओ है अब आपके पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो दिस डबल बॉन्ड इज मोर एक्टिव एज कम्पेयर टू सी डबल बॉन्ड तो कैटलिस्ट जो है वो इजीली आपके इन डबल बॉन्ड्स को क्या करेगा कैटलाइज करेगा इसको हाइड्रोजन इसकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो जाएगी और आपको प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा ठीक है और आपके सी डबल बॉन्ड ओ को कुछ नहीं किया देखिए सी डबल बॉन्ड ओ कुछ नहीं हुआ यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है ना इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन एड हुआ वो एसेड हुआ है इसीलिए मिथाइल ग्रुप को एबोदलेन दिखा है क्योंकि सिन हाइड्रोजनेशन करना है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो होगा वो एक ही साइड से एड होगा लेकिन यहां पर इन्होंने डाला नहीं तो हम यहाँ दिखा सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ से एड हुआ होगा ठीक है तो इस चीज का भी आप ख्याल रखेंगे यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड पहले ही यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा इस कम्पेयर टू अदर जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है वो ऐसे रह जाएगा ठीक है अब देखिए द केस द इज ऑफ रिडक्शन ऑफ अल्किन डिक्रीज विद द डिग्री ऑफ सब ऑफ द डबल बॉन्ड एंड दिस सम टाइम्स अलाउ सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन सेवरल ये थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमने अभी क्या कहा कि जो हाइड्रोजन होता है एस टू केस वो डबल बॉन्ड के ऊपर क्या हो जाएगा एड हो जाएगा सेम साइड में सीन एडिशन होगा लेकिन अगर आपका ये डबल बॉन्ड है कोई इसमें आ, नहीं है दूसरा डबल बॉन्ड है यहाँ पे कोई सबस्टन है एक अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है ठीक है ये एस्टुशन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे सबस्टूशन इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड है ठीक है यहाँ पे दोनों एंड में सब है इसको मैं चलो आर आर रखता हूं आपके लिए आर आर आ रहा रहते हैं यहाँ पे सब एचुएशन इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे दोनों साइड में सब एचुएशन हो रहा है है ना यहाँ पे तो चारों साइड में सब एचुएशन हो रहा है अब हमने ये कहा था कि हमें एडिशन इसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करने के लिए इस डबल बॉन्ड पे H2 टू ईजिली अप्रोच करना चाहिए तो और वहाँ पे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन जो ही यहाँ पे एक सब्सिट्यूशन आ जाते हैं तो ये एस टू का अप्रोच डबल बॉन्ड तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है स्टीरिक आ जाते यहाँ पे दो है एक एंड ही एक खाली है यहाँ पे तो दोनों एन से आना मुश्किल है तो दे जब भी आ, स्टरिकली uh, हेंड्रड आपके पास अल्किन होगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जितना सब डबल बॉन्ड के मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर इंक्रीज होता है उसकी सब सॉरी हाइड्रोजिनेशन उतना इजीली नहीं होता है रेट डिक्रीज हो जाते हैं तो उससे क्या मिलेगा हमारा फायदा मिलेगा कि सिलेक्टिविटी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा सिलेक्टिविटी विल इंक्रीजे सिलेक्टिविटी सिलेक्टिविटी विल इंक्रीजे सिलेक्टिविटी इंक्रीज का क्या मतलब है कि जो लेस डबल बॉन्ड है वो पहले रिड्यूस हो जाएगा और इसमें और कंडीशन को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो इसके बाद जो है वो सबस्ट्यूट डबल बॉन्ड वहां पे रिड्यूस हो जाएगा ठीक है एग्जांपल लेने के लिए से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड है फॉर एग्जांपल ये है ठीक है इसमें हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं थोड़ा सा ये ए, बिलो द प्लेन दिखा रहे हैं ठीक है यहाँ पे डबल बॉन है और यहाँ पे डबल बॉन है ठीक है और यहाँ पे आपने कोई कैटलिस्ट लिया प्लेटिनियम ऑक्साइड लिया जरा है ना प्लेटिनियम ऑक्साइड लिया ऐसे कैटलिस्ट यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन है ना तो ये क्या एडम्स कैटेलिस्ट आपने लिया तो रिडक्शन होना चाहिए लेकिन रिडक्शन आप आपने वन मोल वन मोल ऑफ एस्टू लिया यानी ज्यादा आपने लिया, नहीं लिया वन मोल ऑफ एस्टू लिया सिर्फ एक ही बॉन्ड के लिए काफी है ठीक है वो लिया तो अब यहाँ पे सिलेक्टिविटी देखना पड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड भी है ये डबल बॉन्ड दिस डबल बॉन्ड इज मोर सबिस्टिड एज कम्पेयर टू दिस डबल बॉन्ड एंड दिस इज इंडो डबल बॉन्ड दिस इज एक्सो डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड इज इजीली अप्रोच बाई हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू इंडो तो जब भी रिडक्शन हो जाते हैं तो यहाँ पे इनर वाले का आपको रिडक्शन नहीं होगा जो बाहर है आपका ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसकी रिडक्शन हुई होगी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा लेकिन अगर वन मोल की जगह टू मोल और ज्यादा हाई प्रेशर में आप एस टू लेंगे तो दोनों बॉन्ड हो सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ सिलेक्टिविटी को देखना था कि कौन से बॉन्ड को रिड्यूस करना है तो लेस लेस इंडस बॉन्ड को ये क्या करेगा रिड्यूस करेगा सिमिलरली और एग्जाम्पल ले सकते हैं आपके पास ये बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओ है यहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है देखो यहाँ पे तो तीन डबल बॉन्ड है कार्बोनिल रूप तो लेस एक्टिव है एज कम्पेयर टू अल्किन इन दोनों में से है ना सेम हम ले रहे हैं सेम सेम हम ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वन मोल ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं सेम uh, एडम्स कैटेलिस्ट ले रहे हैं ठीक है या आप विलकंस, भी ले सकते हैं पी पी एच थ्री होल थ्राइज रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है आर एच सील जिसको हम आगे पढ़ना है ये कैटलिस्ट लिया आपने है ना ये कैटलिस्ट लिया इसकी हाइड्रोजनेशन करनी है तो अब इस पे एक्सो uh, बॉन्ड भी है एंडो भी है ये तो ये तो लीस्ट एक्टिव है तो ये मोर सबस्टिट्यूटेड है तो uh, अंत में जब इसका रिडक्शन होगा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा ये डबल बॉन्ड वाले को कुछ नहीं होगा ये भी कुछ नहीं होगा और इस पे आपको ये डबल वॉन्ड सी टू सी टू में कन्वर्ट हुआ होगा इस तरह से आप इसकी सिलेक्टिविटी को आप क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है तो अब इन शॉर्ट यहाँ पे यही कहना चाहेंगे आपसे कि कंडीशन को आप आ, मॉडिफाई करके रेड ऑफ रिएक्शन कंडीशन को मॉडिफाई करके किसी भी कैटलिस्ट को आप क्या कर सकते हैं मोस्ट सिलेक्टिव बना सकते हैं और आप इसकी एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रेशर हाई करना पड़ेगा आपको टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा रेड ऑफ रिएक्शन तो फास्ट होगा लेकिन सेलेक्टिविटी उस समय डिक्रीज़ हो जाती है ठीक है एक और एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे ही दे रहा हूँ सी डबल वोन ओ है ठीक है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है अगर आप यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट जो मैं अभी बोल रहा था हम हाइड्रेट ट्रांसफर से भी इसकी रिडक्शन कर सकते हैं तो आपको ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ कोई सिलेक्टिविटी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को नहीं देखते हैं सी डबल बॉन्ड को ओ में और ये सी डबल बॉन्ड सी को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको ये हंड्रेड परसेंट ये मिलता है लेकिन थोड़ा सा आप कैटलेटिक हाइड्रोजन को नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा सा कंट्रोल मैनर में लेते हैं तो उस समय आपको सेलेक्टिविटी जो है वो क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं ठीक है तो अगर आप जैसे अभी हमें बोल रहा था एस टू प्लेटिनियम वन मोल ऑफ ही लिया ठीक है तो उस समय मोर जो आ, मोर आ, एक्टिव बॉन्ड जो होते हैं सी डबल बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रोंग है तो ये वाला रिड्यूस होगा ये वाला नहीं हो जाएगा तो इस तरह से आप सिलेक्टिविटी को क्या कर सकते हैं गेन कर सकते हैं? या आपके पास ये वाला कोई कंपाउंड है फॉर एग्जाम्पल सी डबल बोन सी है ये है और यहाँ पे सी डबल बोन ओ है ये है है ना यहाँ पे ओ OH एच दिया है ठीक है इसका अगर रिएक्शन दिया होगा एच टू प्लेडियम और सी है है ना आल टू लेस एक्टिव होता है, तो इस सिर्फ डबल को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा सी डबल बॉन्ड रह जाएगा इस तरह से आप इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं ठीक है तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर नहीं आया तो फिर से व्हाट्सअप के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं या डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं आज के लिए इतना काफ़ी है नेक्स्ट क्लास में हम इसकी मैकेनिज़म और स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं तो आज के लिए इतना काफ़ी है थैंक यू वेरी मच